शेयर करने वाली हूँ नेहा कक्कर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे उनके जैसा दिखना बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके मेकअप को कॉपी किया है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। प्लीज निगेटिव कॉमेंट बिल्कुल मत करिएगा, मुझे उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखना है। मुझे जैसे अल्लाह पाक ने बनाया मैं अपने में खुश हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लुक। और अगर लुक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके ही चाहिए मेरे चैनल को, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, कोई भी कर सकता है इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। We can change anything and make it better together, now we're strong, don't question it. तो सबसे पहले आज से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर और मेरा शेड है लाइट टू मीडियम। इसे अच्छे से फिंगर की हेल्प से कर लेंगे सेट, उसके ऊपर लगा लेंगे कॉम्पैक्ट, उसके बाद ताकि सब कुछ सेट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट और उसमें से ये ऑरेंज सा शेड लेकर अपने अच्छे से लिड पर अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उनका जो आई मेकअप है ना वो बहुत ही सिंपल आई मेकअप कप है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, बहुत ही हल्का हल्का सा शेड्स वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे उसमें से, उसी पैलेट के हेल्प से आइब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। ये ऊपर जो अभी मैं शो करूँगी सबसे पहले ये वाला, उसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड लेकर क्रीज लाइन पे हल्का सा डेप देंगे, बहुत ही हल्का सा। उसके बाद एक छोटू सा विंग लाइनर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई विंग नहीं, बहुत ही कम विंग बनाएंगे। पहले मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, इसके ऊपर से फिर लगाएंगे लाइनर। और मेरा जो लाइनर है वो है लैक्मे 925 का स्केच लाइनर, और जो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो है, ये है मेबलिन का मस्कारा। और इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे एक छोटा सा लाइनर, छोटा सा मतलब नहीं, मतलब छोटा सा विंग लाइनर इस तरीके से। और इसके बाद मैं इस शेड से अपने आईब्रो को फिल करूँगी। और मैंने यहाँ पे मैबलिन का न्यूड पैलेट लिया था और मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर लिया था और मस्कारा भी अप्लाई कर लिया था पहले। उसके बाद ये इससे कर लेंगे आईब्रो फिल। उसके बाद आते हैं फेस पे, और मेरा आई मेकअप कंप्लीट है और लास्ट में मैं मस्कारा लगा लूँगी लोअर लैश लाइन पे। तो ये निविया ये लैक्मे पीच मिल्क की सॉफ्ट क्रीम है। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री प्राइमर है, तो गर्मियों में बहुत अच्छा है ये प्राइमर। उसके बाद ये मैबलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है 128, और इसे फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके पहले अप्लाई कर लेंगे नेक और फेस पे। देन एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं इसे स्पॉन्ज की हेल्प से भी सेट करूँगी ताकि जो मेरा मेकअप है वो उभरा उभरा सा ना दिखे। और डैम स्पॉन्ज की हेल्प से हमेशा करना चाहिए ताकि आपका मेकअप जो हमेशा फ्लॉलेस दिखे। इस तरीके से अप्लाई कर लें, देन आप जो है स्पॉन्ज का यूज़ करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर अपने हाइलाइटेड एरिया को हाइलाइट करने के लिए, लाइक अंडर आई एरिया, नोज़, फोरहेड के बाजू, चिन, और सेम स्पॉन्ज की हेल्प से कर लेंगे ब्लेंड। उसके बाद इसे सेट करेंगे स्विस ब्यूटी की कॉम्पैक्ट से। देन मैं यहाँ पे एडियस का जेल आईलाइनर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ कॉन्ट्रोरिंग के लिए। और नेहा मैम ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोरिंग वगैरह नहीं की है, बट नोज़ पे हल्की फुल्की उनकी कॉन्ट्रोरिंग दिख रही है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्ट्रोरिंग। ये बहुत ही लाइट है। उसके बाद मैं इसको ब्राउन करूँगी, मतलब क्रीम को सेट करूँगी क्रीम कॉन्ट्रोरिंग को, ताकि ये पैची लुक ना दे। तो ये सिवाना का पैलेट, और इसे कर लिया ब्रॉन्ज। और हल्का सा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी चिक्स वगैरह पे, फॉरहेड पे। उसके बाद ही सेम पैलेट के हेल्प से ले लेंगे ऑरेंज कलर का ब्लश और इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे इस तरीके से।
उसके बाद स्विस ब्यूटी का हाल है। अब लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है वियो सेल्फ की तरफ से लिपस्टिक है और मेरा शेड है 416 और इसे अच्छे से अप्लाई करें। ये बहुत ही मैट लिपस्टिक है। उसके बाद मैं मेकअप को बाद में सेट करूँगी, पहले इसको मस्कारा अप्लाई कर लूँ लोअर लैश लाइन पे। और अपर लैश लाइन पे मैंने बहुत ही नेचुरल लैशेज अप्लाई की है। उसके बाद ये सुस ब्यूटी की के सेटिंग्स पर से सेट कर लेंगे। गाइस ये मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो और आप भी ये लुक कहीं पे भी कर सकते हो, लाइक छोटी मोटी पार्टी में। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।